जैसा कि आप सभी लोगों को बताई है बात कि रुबीना दिलायक के लिए दोस्तों बिग बॉस ने एक स्लोगन तैयार किया है, एक नारा तैयार किया है जो कि कुछ इस तरीके से था, गलत वो नहीं सकती देख, वोट फॉर रुबीना दिलायक। ये रुबीना दिलायक के लिए दोस्तों एक नारा तैयार किया था और मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग भी अपना नारा तैयार कीजिए, नारा नहीं है नारा, ठीक है। सो अब मैं आपको बता दूं तो बचे हुए बाकी कंटेंडर्स के लिए भी बिग बॉस ने नारे तैयार करे हैं। राहुल भोज आ गया है और स्वागत करता हूं आपका वीवा भोज में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो फटाफट, अभी तो फिनाले भी आने वाला है, चटपटी अपडेट्स और मिलेंगी। एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, फेसबुक टुडे इंस्टा जगह पे मौजूद हूं तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अब हम रुबीना दिलायक की, कि रुबीना दिलायक के लिए जो नारा था वहीं राहुल वैद्य के लिए क्या नारा है, ये सारी बात है। रुबीना दिलायक के लिए बोला जाता है गलत वो नहीं सह सकती, वोट फॉर रुबीना दिलायक, ठीक है। राहुल वैद्य के लिए बोला गया है हर तेरे सवाल का ये देगा जवाब, राहुल को वोट कीजिए जनाब। वाह 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 वाह, मस्त बनाया। सब सुनते हैं जब जब ये बोली, सब सुनते हैं जब जब ये बोली, वोट फॉर निकित अंबोली। ये निकित अंबोली का है, ठीक है। सारा गुरपाल कह रहा हूं, सॉरी एलिगोनी, सबकी आंखों का तारा है एली को जिताना है, सबकी आंखों का तारा है एली को जिताना है, नहीं ये जमा नहीं मेरे को, ठीक है। राखी का क्या है, एंटरटेनमेंट क्वीन है वो घर की, गिव योर वोट टू राखी। ये भी ठीक ही है, मतलब इतना ग्रेट नहीं लगा मुझे, आपको क्या है कहना, इनमें से कौन से ज्यादा अच्छे लगे? मुझे राहुल का बेस्ट लगा, उसका एकदम राइम बैठ रहा है। देखो हर टेढ़े सवाल का ये जवाब का दे ये जवाब, राहुल को वोट कीजिए जनाब। और रुबीना का भी सही है, गलत वो नहीं सकती देख, वोट फॉर रुबीना दिलेक। ये दोनों का मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि राइम बैठ रहा है, अदरवाइज हाँ निकी तंबोली का भी थोड़ा अच्छा लगा था और एली और राखी का ओके ओके लगा। खैर वैसे आपको क्या है कहना इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।